वैदिक ज्योतिष के अनुसार जून माह में मिथुन राशि में बुध ग्रह का गोचर होने से भद्र राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जिससे 12 राशियों पर किसी न किसी प्रकार का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेगा, जिससे 3 राशियां ऐसी है जिन पर भद्र राजयोग का निर्माण होने से धन लाभ के साथ नई नौकरी के योग बन रहे हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार समय समय पर ग्रह गोचर करके शुभ और अशुभ योग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार सभी राशियों पर इनका अलग अलग प्रभाव होता है। तो आइए जानते हैं भद्र राजयोग किन किन राशियों के लिए लाभदायक होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह जो है अपने मार्ग पर गति करते रहते हैं और समय समय पर वे राशि परिवर्तन भी करते हैं। आगामी जून माह में बुध जो है मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और बुध के मिथुन राशि में गोचर करने से भद्र नाम का महापुरुष जो है महापुरुष राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। ग्रहों के गोचर से समय समय पर शुभ या अशुभ की स्थिति का निर्माण होता है। देश दुनिया पर इस ग्रहों का जो गोचर होता है, ग्रहों का जो संचरण होता है, राशि परिवर्तन होता है, इन सभी का देश दुनिया के ऊपर शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो जून माह में बुध जो है अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे भद्र महापुरुष नाम का यह राजयोग का निर्माण हो रहा है। विभिन्न प्रकार की राशि के जो जातक हैं, 12 राशि के जातकों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। किसी पर शुभ प्रभाव होगा, किसी के ऊपर अशुभ प्रभाव होगा। हम वर्तमान में यहाँ चर्चा करते हैं कि वे कौन सी 3 राशियां रहेंगी जिन राशियों के ऊपर इस भद्र महापुरुष नाम का जो राजयोग है वो शुभ फल को देने जा रहा है और लाभ की स्थिति उन 3 राशियों की बनने जा रही है। इनमें सर्वप्रथम है, क्योंकि मिथुन राशि में ही बुध का प्रवेश होगा, लग्न स्थान पर यह प्रवेश होने जा रहा है, तो जिससे मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जो योग है यह शुभ फल देने वाला है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके परिवार का आपको संयोग प्राप्त होगा, धन संपत्ति व्यापार में वृद्धि होगी, राज्य की पक्ष आपका मजबूत होगा और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। दूसरी राशि है सिंह। सिंह राशि के लिए आय स्थान पर यह योग बनने जा रहा है, जिसके कारण सिंह राशि के जातकों की आय में वृद्धि होगी, नवीन कार्यों में वृद्धि होगी, नवीन व्यापार व्यवसाय उनके प्रारंभ हो सकते हैं, नया इन्वेस्टमेंट वे करते हैं उसमें उनको लाभ की प्राप्ति होगी और संतान से संबंधित शुभ फल की सिंह राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद है तीसरी राशि मकर राशि। से छठवें स्थान पर बुध राशि के होने से यह योग मकर राशि के लिए शुभ फल देने जा रहा है। कोर्ट कचहरी में विजय होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और इसके साथ ही साथ आपके शत्रु परास्त होंगे, शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय प्राप्ति होगी, नई संपत्ति वाहन धन के योग आपके बड़े शुभ और लाभदायक होने जा रहे हैं।